गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ओपीएस चैनल एंड टुडे आवर सब्जेक्ट इज ईवीएस। इन ईवीएस सेकेंड चैप्टर ऑल ऑफ अस ग्रो। आई ऑलरेडी टॉट यू इन माई प्रीवियस लेक्चर, सो टुडे दिस इज कंटिन्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड अबाउट द वेरियस रीजन ड्यू टू विच वी सेंस थिंग्स डिफरेंटली। First, a family background is done in my previous lecture. Second, we'll continue. Cultural and regional background. People with different culture and regional background have different likes and dislikes. लोग जो विभिन्न रीति रिवाज से belong करते हैं उनका like और dislike भी अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, पंजाबी लाइक टू ईट फ्राइड एंड स्पाइसी फूड। पंजाबी पीपल जो होते हैं वो हमेशा तली भुनी चीज और मसालेदार चीजों को खाना पसंद करते हैं। गुजराती जो होते हैं जनरली पुट सुगर इन देयर डिशेज। उनके खाने में सुगर की मात्रा ज्यादा होती है, सुगर यानी चीनी की मात्रा, मीठा ज्यादा पसंद करते हैं। पीपल हु डू नॉट ईट गार्लिक एंड नॉन वेजिटेरियन फूड डू नॉट लाइक द साइट ऑफ इट, whereas those who eat meat are very fond of these smells and find it aromatic। जो लोग गार्लिक यानी लहसुन खाना नहीं पसंद करते हैं या जो नॉनवेज को पसंद नहीं करते हैं, वो जहाँ पे ज़्यादा मीट मछली लोग खाते हैं उनके उनका जो स्मेल होता है, एरोमा होता है, वो भी उनको पसंद नहीं होता है। ओके, एंड थर्ड, स्टेट ऑफ माइंड। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी कि लोग जो अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं उनका लाइक और डिसलाइक भी अलग अलग कैसे होता है। मैंने तुम्हें फर्स्ट पढ़ाया फैमिली बैकग्राउंड, सेकेंड कल्चरल एंड रीजनल बैकग्राउंड, एंड थर्ड स्टेट ऑफ माइंड यानी हमारा माइंड तय करता है। आवर मेंटल स्टेट ऑल्सो डिटरमाइंस आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हमारा जो मेंटल ये होता है वो तय करता है, हमारा माइंड तय करता है कि हमारा लाइक और डिसलाइक्स कैसे हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें समझा रही हूँ, जैसे हम लोग किसी शॉप पे गए, किसी स्वीट्स की शॉप पे गए, मिठाई की दुकान पे गए, वहाँ हमने रसगुल्ला देखा और गुलाब जामुन देखा, तो दोनों ही मिठाई है, बट उस समय में हमारा हमको पता लगता है कि हमें क्या खाना है, मुझे रसगुल्ला खाना है या मुझे गुलाब जामुन खाना है। ये तुमको कहाँ से आया मैसेज, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया, ब्रेन से आया, माइंड से आया। तो इस तरह हमारा माइंड इस चीज़ को तय करता है। ड्यूरिंग वेकेशन छुट्टियों के दौरान वी इंजॉय म्यूजिक, प्लेइंग गेम्स एंड वॉचिंग टेलीविजन। हम लोग क्या करते हैं छुट्टियों के दौरान, जस्ट लाइक अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तो वेकेशन ही चल रहा है जस्ट लाइक, तो उसमें म्यूजिक सुनना, गेम खेलना एंड टीवी देखना, इस तरह से हम लोग अपना वेकेशन इंजॉय कर रहे हैं। बट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज, लेकिन फिर क्या होता है इसी में, जब परीक्षा का टाइम आता है, वी ट्राई एंड स्टे अवे फ्रॉम लाउड म्यूजिक एंड रिस्ट्रिक्ट आवर प्ले टाइम एंड ऑल्सो स्टॉप वॉचिंग टेलीविजन। क्या होता है हमारा, हम लोग उस समय लाउड म्यूजिक से दूर रहते हैं और जो हमारा प्ले टाइम होता है वो रिस्ट्रिक्ट यानी प्रतिबंध हो जाता है, और जो हम लोग टेलीविजन देखते हैं वो भी रुक जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा एग्जामिनेशन पीरियड होता है। फोर्थ, ऑक्यूपेशन, द नेचर ऑफ आवर जॉब ऑल्सो डिटरमाइंस आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। और जो हमारा ऑक्यूपेशन होता है वो भी हमारे लाइक और डिसलाइक पे तय होता है। स्वीपर्स हु कलेक्ट द गार्बेज एंड क्लीन द स्वेयर्स आर यूज टू डर्टी स्मेल। स्वीपर का देखो क्या काम होता है, वो गार्बेज जितनी सारी डस्ट गंदगी होती है उसको वो कलेक्ट करता है, और उस तो उसमें से कितनी डर्टी स्मेल आती है, बहुत गंदी बदबू आती है, फिर भी वो उसका काम है इसलिए वो उस चीज़ को करता है, क्लीन करता है। बट ए पास्चर बाई कवर्स हिज और हर नोज बिकॉज सच स्मेल इज ऑफेंडिंग। लेकिन उसके पास से जो लोग गुजरते हैं वो कैसे अपने नोज को क्लोज करके रखते ताकि बहुत गंदी स्मेल आ रही है वहाँ से। वी शुड नॉट क्रिटिसाइज द लाइक एंड डिसलाइक्स एंड ऑक्यूपेशन ऑफ अदर। लेकिन हम लोगों को किसी के ऑक्यूपेशन को लेकर के उसको जज नहीं करना चाहिए। स्वीपर भी आदमी है, वो भी अपना काम कर रहा है। ओके, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वाई आर सम पीपल स्पेशल। कुछ लोग स्पेशल क्यों होते हैं। ऑल द बॉडी पार्ट्स ऑफ ए हेल्दी पर्सन फंक्शन नॉर्मली। ऑल द बॉडी पार्ट्स ऑफ ए हेल्दी पर्सन, जो हेल्दी पर्सन होता है उसका जो बॉडी पार्ट्स होता है वो नॉर्मली फंक्शन करता है। ओके, देर आर सम पीपल हु सर्टेन सेंस ऑर्गेन और बॉडी पार्ट डज नॉट। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बॉडी पार्ट प्रॉपर ढंग से, सेंस ऑर्गन जो होता है, व्हाट इज सेंस ऑर्गन, वी ऑल ऑफ यू नो सेंस ऑर्गन इज अ नोज, टंग, ईयर। ओके, आई हैव फाइव सेंस ऑर्गन्स। ओके, नोज, ईयर, टंग, स्किन एंड आई। ओके,
तो फाइल स्मेल अदर सेंस ऑर्गन बिकम एक्स्ट्रा एक्टिव पीपल हु कैन नॉट सी हैव एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंस ऑफ टच. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो देख नहीं सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सुन नहीं सकते हैं. ओके, पीपल हु कैन नॉट सी और ब्लाइंड, जो लोग देख नहीं सकते हैं या जो ब्लाइंड हैं. पीपल हु कैन नॉट हियर आर सेड टू बी डिफ. फाइल पीपल हु कैन नॉट स्पीक आर सेड टू बी म्यूट. मतलब कुछ लोग जो बोल नहीं सकते हैं, कुछ लोग सुन नहीं सकते हैं, कुछ लोग देख नहीं सकते हैं. सम चिल्ड्रेन में हैव ए वीक ब्रेन और सम अदर फिजिकल डिसेबिलिटी. कुछ बच्चे होते हैं जिनका दिमाग कमजोर होता है और वो फिजिकल डिसेबिलिटी होते हैं, जैसे किन्हीं का कोई ठीक से चल नहीं पा रहा है, ठीक है ना, कोई ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो ये सब फिजिकल डिसेबिलिटी हो गया. दीज फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन आर स्पेशल चिल्ड्रन. इसी तरह से जो फिजिकली और मेंटली जो डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं उनको क्या कहा जाता है, स्पेशल चिल्ड्रन. स्पेशल चिल्ड्रन नीड केयर एंड लॉट्स ऑफ लव एंड अटेंशन. उन लोगों को किस चीज़ की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा प्यार और एक्स्ट्रा केयर की. इवन एज्ड पीपल नीड आवर केयर एंड लव. और ऐसे लोगों को हमारा प्यार और हमारा सुरक्षा चाहिए होता है. हाउ डू ब्लाइंड पीपल रीड. अब जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो कैसे रीड करते हैं. पीपल हु आर ब्लाइंड रीड बुक्स रिटन इन ए स्मॉल स्पेशल स्क्रिप्ट कॉल्ड ब्रेली स्क्रिप्ट. जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए जो किताबें लिखी जाती है वो एक स्पेशल भाषा में लिखी जाती है, जिसको कौन सा भाषा बोलते हैं, ब्रेली स्क्रिप्ट. कौन सा भाषा बोलते हैं, ब्रेली स्क्रिप्ट. इट इज रिटन ऑन ए थिक पेपर बाई मेकिंग अ रॉ ऑफ रेज डॉट्स विथ अ पॉइंटेड टूल. ये कैसे, एक मोटे से पेपर पे लिखा जाता है और डॉट बना के उभरा हुआ उसमें पॉइंट बना होता है. ओके, इट इज रीड बाई फिलिंग द रेज डॉट्स बाई रोलिंग फिंगर्स ऑन देम. और ये जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उस उभरे हुए अक्षर पे इस तरह से अपनी उंगलियों को डाल के, ठीक है, उसको महसूस करके, उसको फील करके उसको पढ़ते हैं. ऑल द लेटर्स ऑफ ब्रेली आर मेड अप ऑफ 1 to 6 डॉट. जितने सारे अल्फावेट होते हैं उसके, जितने सारे लेटर होते हैं, वो 1 से लेकर के 6 डॉट के बीच में वो बने होते हैं. दिस अल्फाबेट वॉज इन्वेंटेड बाई ए ब्लाइंड टीचर. ये जो अल्फाबेट है उसका इन्वेंट कौन किया था, एक ब्लाइंड टीचर थे जिनका नाम था लुइस ब्रेली. लुइस ब्रेली, और इस स्क्रिप्ट का नाम भी उन्हीं के नाम पे है, ब्रेली स्क्रिप्ट. ब्रेली कैन बी रिटन यूजिंग ए स्पेशल कंप्यूटर एज वेल. ब्रेली जो थे कंप्यूटर की भाषा में भी बहुत अच्छे से लिख सकते थे, ब्लाइंड होते हुए भी. ओके, एंड नाउ डू यू नो सम वेरी कैपेबल फिजिकली चैलेंज पीपल. क्या तुम ऐसे फिजिकली चैलेंज पीपल के जानते हो? तो आज हम लोग सबसे पहले, फर्स्ट तुम लोगों को बताऊंगी मैं हेलेन केलर. दिस इज अ सी इज अ हेलेन केलर. देयर आर मैनी फिजिकली चैलेंज पीपल हु हैव अटेंड ग्रेट हाइट्स इन स्पाइट ऑफ देयर हैंडी कैप्स. हेलेन केलर वॉज अ ब्रेक. बहुत सारे हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल हैं, उनमें फर्स्ट है हेलेन क्लेयर. वाज अ वेरी ब्रेव वुमेन. वो एक बहुत बहादुर औरत थी. सी बिकेम डीफ एंड ब्लाइंड ड्यू टू एन इलनेस व्हेन सी वाज ओनली 18 मंथ्स ओल्ड. जब वो सिर्फ 18 महीने की थी तो बहुत बीमार थी, जिसकी वजह से वो डिफ भी हो गई थी, बहरी भी हो गई थी और ब्लाइंड भी हो गई थी. सी वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड वॉन्टेड टू स्टडी. वो बहुत तेज थी और बहुत पढ़ना चाहती थी. हर फादर अपॉइंटेड अ टीचर नेम एन सुलिवन. उनके फादर ने उसके लिए एक टीचर अपॉइंट किया जिसका नाम था एनी सुलिवन. सी बिगेन हर स्पेशल एजुकेशन इन रीडिंग एंड राइटिंग विद द हेल्प ऑफ हर टीचर. और उसने पढ़ना और लिखना अपने टीचर की मदद से स्टार्ट किया. किसने? हेलेन केलर ने. सी लर्न टू रीड ब्रेली एंड टू राइट विथ ए स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टाइपराइटर. वह ब्रेली भाषा में लिखना और टाइपराइटर करके उसने लिखना और पढ़ने की चीज़ों को जाना बनाना जाना. सी रिसीव्ड हर बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री एंड 1904. सोचो, वो थिंक इट, वो 1904 में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री भी उनको प्राप्त हुई. बिकमिंग द फर्स्ट डीफ एंड ब्लाइंड पर्सन टू अर्न अ डिग्री. और वो पहली ऐसी डीफ और ब्लाइंड पर्सन थी जिन्होंने इस डिग्री को हासिल किया था या प्राप्त किया था अपने मेहनत से. ओके, हेलेन बिकम्स ए वेरी फेमस ऑथर एंड स्पीकर. वो बहुत अच्छा बोलती थी, बहुत अच्छा ऑथर और बहुत अच्छी वक्ता थी. सी वर्क विद सोल्जर्स हु हैड बीन ब्लाइंडेड बाई द वार. और उसने बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ काम किया जो युद्ध के दौरान ब्लाइंड हो गए थे. सी ऑलवेज इंकरेज्ड ब्लाइंड पीपल. वो हमेशा ब्लाइंड लोगों को इंकरेज, प्रोत्साहन देती थी. सी रोट मैनी बुक्स लाइक द स्टोरी ऑफ माई लाइफ विच इज अवेलेबल इन 50 languages. द स्टोरी ऑफ माई लाइफ नाम की एक बुक भी उन्होंने लिखी जो कि 50 languages में अवेलेबल है वो बुक. केलेन केलर डाइड ऑन जून 1, 1st June 1968 एट द एज ऑफ 88. और 88
वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया था, 1 जून 1968 को। एंड सेकेंड फिजिकल चैलेंज पीपल वॉज स्टीफन हॉकिंग्स। लुक एट दिस, स्टीफन हॉकिंग्स। स्टीफन हॉकिंग्स इज अ साइंटिस्ट हु नोज 7 लैंग्वेज। वह एक वैज्ञानिक थे जिन्हें 7 भाषाओं की जानकारी थी। सी हैज एन इनक्रेबल मोटर न्यूरन डिजीज ड्यू टू विच ही इज अनेबल टू स्पीक। उनको मोटर न्यूरन नाम की एक डिजीज यानी बीमारी हो गई थी जिसके कारण वह बोल नहीं सकते थे। ही नीड्स अ कंप्यूटर टू स्पीक टू अदर्स। ही नीड्स अ कंप्यूटर टू स्पीक टू अदर्स। उन्हें दूसरे से बात करने के लिए कंप्यूटर की जरूरत होती थी। हिज लेक्चर आर हाईली साउट आफ्टर एंड हिज बुक्स आर बेस्ट सेलर्स। उनकी द्वारा लिखी गई जो किताब थी वो सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक थी। ही रिसीव्ड द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द USA। और USA का जो सबसे मोस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, इस अवार्ड से उनको नवाजा गया था। ऑन कब? 12 अगस्त 2009 को, फ्रॉम द US प्रेसिडेंट बराक ओबामा। जो US के जो प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, उन्होंने स्टीफन हॉकिंस को वहाँ के बेस्ट सिविलियन अवार्ड्स जिसका नाम था प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, अवार्ड से उनको नवाजा गया था। ओके, तो आज हम लोगों ने फिजिकली चैलेंज पीपल के बारे में जाना। फर्स्ट हेलेन केलर एंड सेकेंड स्टीफन हॉकिंस। एंड योर चैप्टर, सेकेंड चैप्टर इज fully complete. Okay, bye students.